आप लोगों ने तो मां गंगा को भी नहीं छोड़ा है, और आप लोगों ने तो गायत्री नाम भी लोग अब अपने परिवार में रखना बंद कर देंगे। महोदय पहली बार हो रहा है, गंगा जी के किनारे जो 1627 गांव थे, इन गांवों को खुले में शौच से मुक्त करना था, इन लोगों ने कोई रुचि नहीं ली, कोई रुचि नहीं ली, कार्य ही नहीं किया। प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जब स्वच्छता की रैंकिंग आई तो 100 गंदे शहरों में 52 उत्तर प्रदेश के थे। ये आपका विरासत है। 1627 गांवों के बारे में कोई चिंता नहीं, एक भी जिला ऐसा नहीं था जिसको ये लोग ओडीएफ घोषित कर चुके हों, कोई रुचि नहीं। ये सरकार आई, 100 दिनों के अंदर गंगा किनारे 1627 गांव ओडीएफ घोषित हो गए, खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। अभी भारत सरकार, स्वयं भारत सरकार के माननीय मंत्री, ग्राम्य विकास मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का पत्र आ गया है कि इसके लिए हम उत्तर प्रदेश में आकर के ही उन सभी सम्मानित ग्राम प्रधानों को और जनप्रतिनिधियों को, इसमें हमारे विधायकों ने भी योगदान किया है, हमारे मंत्रीगण गए हैं और उन लोगों ने उसके लिए वो सम्मानित करना चाहते हैं। उस जिससे 1627 गांव ओडीएफ घोषित हो गए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे लगभग 2 जनपद ऐसे हैं जो ओडीएफ घोषित हो गए हैं, और हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग 31 दिसंबर तक प्रदेश के 30 जिलों को ओडीएफ घोषित करें, इसमें मैं आपका भी सहयोग चाहूंगा, आपका भी सहयोग इसमें मिले, सरकार के साथ मिलकर के चलिए, विकास होगा, विकास की योजनाओं को लेकर के चलिए। मैं बहुत सारी योजनाओं को आपके लिए आया हूं, आप अगर इन योजनाओं को लेके जाएंगे तो अगली बार यहां आ पाएंगे, अन्यथा अगर हमारा कोई जनप्रतिनिधि ही वहां चला गया तो दोबारा आना भी कठिन हो जाएगा, और इसलिए मैं आपकी ये सब योजनाएं आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि हमारे लोग तो सब जा रहे हैं, सभी माननीय सदस्य जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, और इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने 3255 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो गत वर्ष की तुलना में महोदय 100% अधिक है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र, इसमें हम लोगों ने 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो गत वर्ष की तुलना में 67% अधिक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसमें 2990.88 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो गत वर्ष की तुलना में दुगना है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी बड़ी योजना है, और हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय, मैं देख रहा था उस दिन, कह रहे थे कि हमने 700 कुछ मकान बना लिए, पीठ थपथपा रहे थे। मैं सोच रहा था कि 700 कुछ मकान बनाने पर ये श्रीमान जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कैसे इस प्रदेश का कल्याण होगा। इस प्रदेश के अंदर अगर आप 2011 की सूची ही देखेंगे, 24 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास अपना आवास नहीं है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट देखेंगे, 24 लाख से अधिक ऐसे परिवार हैं, और 700 मकान दे दिए, इसी में आप पीठ थपथपा रहे थे। मात्र 100 दिन के अंदर हमारे ग्राम्य विकास मंत्री ने, बैठ जाइए ना, आप आराम से बैठिए, आप बोल चुके हैं, सुन लीजिए आराम से। और हम लोगों ने, ग्राम्य विकास मंत्रालय ने 100 दिन के अंदर 6 लाख से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, उनका पैसा जा चुका है। इस वर्ष 10 लाख लोगों का हम आवास देने जा रहे हैं, और मैं आपको भी आमंत्रित करूंगा, अब अपनी विधानसभा में जाइए, उन गरीबों को सर्टिफिकेट बांटिए। यहां ना कोई जाति भेद है, ना कोई वर्ग भेद है, जो सूची में आएगा, हम लोगों ने कोई भेदभाव नहीं किया, जो पात्रता की सूची में उसको दो, जो बचेगा हम उसको बाद में जरूर देंगे।
मछवा आवास में भी आप लोगों ने तो उनका हक ही मार दिया है। आदरणीय कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 1991 में, उन्होंने उस समय पट्टी किए थे पोखरों के, तालाबों के, नदियों के, घाटों के, और उस व्यवस्था को मछुआ समुदाय को उन्होंने दिया था। निषाद है, केवट है, बिंद है, मल्ला है, माझी है, इन सभी जातियों को उन्होंने उसमें ये पट्टी उस समय आवंटित करने की व्यवस्था की थी, और इन लोगों ने 2015 में वो व्यवस्था ही समाप्त कर दी है। सारा लाभ उनका भी हड़पने का प्रयास किया है। और क्या प्रदेश के अंदर केवल 700 कुछ ही मछुआ समुदाय के लोग हैं? इतनी बड़ी आबादी, और उस आबादी को 700 कुछ मकान देकर के लोग पीठ थपथपा रहे हैं। मैं कहता हूं उन सभी लोगों के लिए हम लोगों ने अपने इस विभाग से जुड़े मंत्री से कहा है, श्री जयप्रकाश निषाद से, हम लोगों ने कहा कि जाइए सर्वे कराइए, उस समुदाय को भरपूर आवास दिलाने का व्यवस्था करिए, कहीं कोई कमी पैसे की नहीं आने दी जाएगी, और ये व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। महोदय, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए भी हम लोगों ने 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो गत वर्ष की तुलना में 10 गुना अधिक है। अनुमान कर ले आप कहां हैं आप। महोदय, अमृत योजना के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 61 शहर चयनित हुए हैं, उन 61 शहरों में पेयजल, सीवरेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं की दिशा से भारत सरकार के सहयोग से योगदान होना है, कोई रुचि नहीं थी। हम लोगों ने 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो गत वर्ष की तुलना में लगभग दुगना है, और स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो गत वर्ष की तुलना में लगभग यानी 1.5 गुना से अधिक है। ये व्यवस्था हम लोगों ने यहां पर की है। महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु हम लोगों ने 4,942.60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो गत वर्ष की तुलना में 42% अधिक है, और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 19,444.35 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो गत वर्ष की तुलना में 27% अधिक है। यानी हर एक मद में पहले से अधिक पैसा दिया गया है, पहले से बेहतर व्यवस्था दी गई है, और इसीलिए हम लोग कहेंगे अपने पक्ष के मित्रों से, प्रदेश के अंदर विकास में आप लोग थोड़ा रुचि लें, प्रदेश का विकास हो जाएगा। और इसलिए सड़क बन रही है, आपका स्वागत है, आप आइए।